अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस की मदद से काउंटर बना सकते हो। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे ये स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 और सो ऑन। उसके बाद आप इसको यहाँ से पोज कर सकते हो, और अगर आप पोज करोगे तो वहीं पर आपकी जो काउंटिंग वो रुक जाएगी। अगर आप रिसेट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो काउंटिंग है फिर जीरो पे आके रुक जाएगी। बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही आसान मेथड। इसमें मैं यूज़ करूँगा एन पी एम पैकेज नोट पैकेज मैनेजर, जो कि मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें, प्रीवियस जो आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैंने यूज़ करना नहीं सिखाया। एनपीएम क्या है कि आपके पास बहुत से मोर देन आई थिंक 50-60 हज़ार आपके पास बने बनाए प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप अगर उन्हें यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपने जस्ट उनको इंस्टॉल करना है और यूज़ कर लेना है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दिखाऊंगा। जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद बहुत ही आसान जस्ट मेथड है, जस्ट उसको कॉल करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आपको ये थोड़ा सा अगर ख़ुद से ये बनाएंगे स्टार्ट पोज और रीसेट बटन तो हमारा ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। तो लेकिन अगर हमें यही वाली फंक्शनैलिटी चाहिए तो ऑलरेडी किसी डिवेलपर में बना के रखी हुई है, तो उसने npm पैकेज नोड पैकेज मैनेजर के अंदर हमें वो फंक्शनैलिटी दी है, हमने जस्ट उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आऊँगा, अपने इसको पहले क्लोज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा तो ये हमारा सर्वर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, और इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और रीलोड करेंगे तो इस एड्रेस के ऊपर कोई भी चीज़ हमें शो नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाएगा अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं कंट्रोल बैकटिक प्रेस करूँगा और यहाँ पे npm स्टार्ट इस सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। और जब तक ये स्टार्ट होता है इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आपको बता देता हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर इसका सेम ही है जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर app.jsx, इसको हमने इंक्लूड किया index.js के साथ। और उसके बाद और कोई इसमें चीज़ नहीं है, index.css मौजूद है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें। और यहाँ पे अब थोड़ी सी ये देर लेगा स्टार्ट होने में, क्योंकि एक सर्वर जब क्लोज़ करते हैं सेकंड उसके साथ जब स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी ये देर लेता है। अभी ये आ गया। अब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है GG हमने लिखा हुआ है तो ये आप हमारे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मुझे ये बड़ा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको जूम किया 500%। अगर इसको रीसेट करूँगा तो बिल्कुल मुझे कॉर्नर भी नज़र आएगा। तो मैं इसे कंट्रोल और विंडो को स्क्रॉल करता जाऊँगा तो इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर देख लूँगा 500% तक ये हमारे पास जूम करता है, तो ये मैंने उसको जूम कर लिया। अब आपने आ जाना यहाँ पे आप एक चाहे तो न्यू यहाँ पे टर्मिनल ले लो, न्यू नहीं लेना तो पहले को क्लोज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे पहले को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप जस्ट कंट्रोल सी करो तो ये आपके पास क्लोज़ हो जाएगा। अब आपने एक पैकेज जो है इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आई थिंक इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो अब हमारे पास इसका एड्रेस बन जाएगा यहाँ पे। अब एड्रेस बन गया। अब इसमें आपने सिंपली लिखना है npm और उसके बाद i का मतलब इंस्टॉल। आप इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हो इस तरह से इंस्टॉल, या चाहे आप अकेला i लिख दो तब भी ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे use -timer और इंटरपेस कर दोगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन ये मैं इसको जब इंस्टॉल करूँगा तो इसका जो वर्जन है वो अपडेट कर देगा। अभी थोड़ी सी ये देर लेगा बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। तो जब तक ये यानी इंस्टॉल होता है तो मैं इसके कुछ आपको फीचर जो है बता देता हूँ, इसकी जो फंक्शनैलिटी ये क्या मुरतब करेगा वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे package.json के अंदर, जब आएंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन use timer। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे इसका वर्जन भी मिल रहा है, लेकिन आप जब इसको इंस्टॉल करोगे थोड़ी सी देर लेगा, आई थिंक 5 मिनट भी ले सकता है और 7 मिनट भी ले सकता है अगर नेट की स्पीड अच्छी तो 1 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन आई थिंक मैं जो इस प्रोजेक्ट करने से पहले जब मैंने इसकी खुद से प्रैक्टिस की थी तो मेरे पास इसने लिए थे ऑलमोस्ट 5-6 मिनट। तो आपको ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, लेकिन आपने इसको क्लोज़ नहीं करना जब तक ये वाला एड्रेस अगेन आपके पास ना आ जाए। चाहे जितने मर्जी यहाँ पर एरर शो करे, 46 एरर शो करे, 52 करे, आपने उसकी केयर नहीं करनी। जब ये आपके पास लास्ट में ये वाला एड्रेस बन जाएगा तो जस्ट आपने package.json में आना है और यहाँ पे आपने चेक करना है यूज़ टाइमर आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो ये जब तक इंस्टॉल होता है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे हम इसकी एक्चुअल जो कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं, तब तक ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यानी यूज़ करने के लिए सिंपली हमने पहले इसको इम्पोर्ट करना है, तो मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट में इसको मैं लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और इसमें यूज़ करूँगा use timer और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम में यहाँ पे मैं दूँगा कॉलन और यूज़ टाइमर ये कॉल हो गया। अभी आपके पास नीचे आ रहा है
46 ये 27 मॉडरेट रेट आई, नो इशू एट ऑल, इवन क्रिटिकल कोई मसला नहीं। लास्ट में ये एड्रेस मिल रहा है ना, बाबर अली और डेस्कटॉप, ये आपको सेम उस फोल्डर का एड्रेस बन रहा है, बस हमें ये चाहिए, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं चाहिए, वो जो मर्जी यहाँ पे शो करता रहे। यूज़ टाइमर आ गया, अब इसको हमने यहाँ पे यानी जो है कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मैं एक और कॉन्स्टेंट लूँगा, मतलब जहाँ पे हमारा कंपोनेंट है, चाहे आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो या क्लास कंपोनेंट, इसके अंदर सबसे पहले पैरामीटर दूंगा टाइम, और उसके बाद इसको दूंगा स्टार्ट। आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको वो नाम दूंगा जो हमारे पास रिमेंबरेबल भी है। यहाँ पे पोज किया, और उसके बाद रीसेट, और रीसेट के बाद मैं इसको दूंगा स्टेटस, और इसको यहाँ पे मैं इक्वल कर दूंगा यूज़ टाइमर के, यूज़ टाइमर, ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, रिटर्न के अंदर मैं एक डिव लूँगा, डिव ली, डिव के अंदर मैं बटन के टैग लूँगा बटन, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँगा स्टार्ट, फिर इसको यहाँ पे कर लेंगे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। स्टार्ट के बाद हमारे पास आता है पोज, तो यहाँ पे मैं पोज को लिख लूँगा, और उसके बाद हमारे पास आता है रीसेट, तो यहाँ पे रीसेट को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे इसके ऑन क्लिक के ऊपर आते हैं, ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक को इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल है स्टार्ट, इसको यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे भी पेस्ट कर लेंगे, पोज आ गया, उसके बाद रीसेट आ गया। अब सेमिन के पास नाम जो है वो रिप्लेस कर देंगे, जहाँ हमारा पोज आ रहा है तो यहाँ पे हम पोज को इंटर कर देंगे, और स्टार्ट जहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे स्टार्ट, बल्कि यहाँ पे बस रीसेट, तो यहाँ से आप रीसेट को पेस्ट कर दो, तो ये आप बस बटन लग गया। उसके बाद जब जहाँ आपकी ये डिव ख़त्म हो रही है, डिव के बाद आप पी का एक टैग लो, अगर आपने ये फ्रैगमेंट यूज़ किए होंगे ना, ये वाले खाली टैग लगाए हुए होंगे, तब इसको यूज़ कर सकोगे, अदरवाइज एक डिव के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा। पी के टैग लिखेंगे, और पी के टैग के अंदर मैं इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्टार्ट टाइमर, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो हमारे पास टाइम वेरिएबल है उसको हम कॉल कर देंगे, और इसके साथ ही हम डबल कॉलन लगा देंगे। अब टाइम भी हमारे पास कॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास जस्ट आ गया स्टेटस, तो स्टेटस के लिए स्पीड की टैग के नीचे आऊँगा अगेन, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और स्टेटस अगर हमारे पास होता है इक्वल रनिंग के, अगर हमारे पास सर्वर जो रनिंग करता है, देन क्या करो एंड, और यहाँ पे हम एंड यूज़ करेंगे, एंड पी जो है पी पी का पी टैग, उसमें हम जो है प्रिंट करवा देंगे रनिंग रनिंग, और यहाँ पे अगर स्टेटस हमारा रनिंग होता है तो ये हमारे पास रनिंग करवा दो। जस्ट आपने इसको सेव करना है, आप इस जस्ट देखो आपने कितना कोड लिखा है, बहुत सिंपल सा कोड लिखा है, और यहाँ पे हम इसको एन पी एम स्टार्ट करेंगे, एन पी एम स्टार्ट, ये आपको फाइल जो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रही होगी, आप इसको कॉपी कर सकते हो, सेम जैसे इसको कॉपी पेस्ट भी करोगे आपके पास ठीक काम करेगा, लेकिन आपने सबसे पहले जो इसका पैकेज है एन पी एम आई यूज़, या मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये सारा स्टार्ट होता है, तो एन पी एम इंस्टॉल यूज़ टाइमर, थोड़ी सी देर लेगा, अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, या हमारा सर्वर रीलोड हो रहा है, ये आगे आगे, अब स्टार्ट, ये जस्ट हमने अभी जो क्रिएट किया वो वाला है, स्टार्ट पे क्लिक किया तो रनिंग, और 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से पोज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकें। दैट्स ऑल, हमारी कितनी देर लगी, मे भी वीडियो लंबी हो क्योंकि मैंने इसमें आप बोला भी हूँ, आपको समझाया भी है, लेकिन एक्चुअल जो आपका काम है वो जस्ट 5 मिनट्स का है, बाकी तो आपने जब इसको एन पी एम पैकेज इंस्टॉल पर लगा देना था, वो आपके इंटरनेट का काम है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर इसके वाले से आपको कोई भी सवाल है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा, आप इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।